Assalamualaikum and welcome to Hot Pot Foods YouTube channel. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे. आज हम नए चैनल में आ जा रहे हैं कुल्फी फालूदा, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस सा बनता है. तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे पहले हमारे पास आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है ये दूध, तकरीबन ढाई कप है. और यहाँ पर हमारे पास है हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ कप के बराबर हमारे पास खोया है. खोया बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसका. हाफ कप हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं और 1/4 कप हमारे पास शुगर है. मीठा आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, इतना नॉर्मल रहता है. और 4 टेबलस्पून हमारे पास बादाम और पिस्ते क्रश किए हैं इस तरीके से. चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं. कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में दूध डाल देंगे, ढाई कप दूध है, और इसको हम बॉयल कर लेंगे. सबसे पहले मिल्क जो हमने लिया है ये फुल फैट मिल्क है, ताकि अच्छी सी हमारी कुल्फी रेडी हो सके. तो ये देखिए दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया. इस टाइम पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम पकाएंगे. ढाई कप में से आधा कप दूध जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम हिलाते जाएंगे. और जो बलाई आ रही है इसको हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे दूध के अंदर ही, साइडों से भी उतार देंगे. तो ये देखिए दूध जो है वो हमारा थिक हो गया, इस तरीके से थिक है. तो दूसरी साइड पे हम शुगर का कैरेमल रेडी करते हैं. तो यहाँ पर हम पैन में 1/4 कप शुगर ऐड कर देंगे और इसको इस तरीके से फैला देंगे, और इसको हम कैरेमलाइज होने देंगे. इसी तरीके से हिला लें हल्का हल्का सा. इसमें स्पून का बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा इस टाइम पे, अदरवाइज ये स्पून के साथ चिपक जाएगी. तो ये देखिए शुगर हमारी यहाँ पर कैरमलाइज हो गई है, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे. दूसरी तरफ दूध के अंदर इसको डाल देंगे. तो यहाँ पर हमारी शुगर जो है वो कैरमलाइज हो चुकी थी, तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे. ये देखिए हमने अच्छे तरीके से कैरमल को इसके अंदर डिजोल्व कर लेना है इस तरीके से. इस कुल्फी का इसी तरीके से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा. बहुत मज़े की कुल्फी बनती है. तो देखिए शुगर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है. इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर और खोया हाफ कप. खोए को मिक्स करके फिर इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे. इस टाइम पर हम इसके अंदर हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर लेंगे. लम्स कोई नहीं होने चाहिए इसके अंदर. 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए थे और इसको हमने ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लिया था, तो ये ब्रेड क्रम्स हमने डाल दी इसके अंदर. ये देखिए इस तरीके का ये थिक सा मिक्सचर बन चुका है. और इसके अंदर डाल देंगे पिस्ते और बादाम. क्रश करके डालिएगा, उससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है. और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे. फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे यहाँ पर. तो इस तरीके की मैंने कुल्फी मोड ली है, तो स्पून की हेल्प से इसके अंदर हम डाल देंगे कुल्फी का मिक्सचर. इस तरीके से टैप करेंगे ताकि अच्छे तरीके से सारी कुल्फियां सेट हो जाएं. तो इसको इस तरीके से लगा देंगे कवर्स. तो ये हमारी कुल्फियां रेडी हैं. तो अभी हम इनको तकरीबन 7 से 8 घंटे हम इसको फ्रीजर में रखेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे. तो लीजिए यहाँ पर हमारी कुल्फी जो सेट हो चुकी है, तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं. इसको थोड़ा सा मैं पानी में रखूंगी, इसको इस तरीके से घुमाएंगे. तो इसको हम रख देते हैं प्लेट के अंदर, और बाकियों को भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे. तो यहाँ पर हमने कुल्फियां निकाल ली थी, और अभी हम इनके स्लाइसेस कट कर लेंगे. फालूदा सेब जो हमने बनाए थे तो ये हमने ले लिए हैं, और तुहम बेलंगा मैंने भिगो के रखी हुई थी 1 टेबलस्पून पानी में. तो यहाँ रेड सिरप लेंगे. तो कुल्फी को हम पहले कट कर लेंगे. देखिए कितने इजीली कट हो रही है ये. कुल्फी के अंदर हम डाल देंगे ये फालूदा सेव्स इस तरीके से.
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की ये कुल्फी फालूदा बनता है। इस तरीके से हम डाल देंगे सारे इसके अंदर। तो हम बलंगा हैं तो ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर हम डाल देंगे ये रेड सिरप इस तरीके से। लीजिए, जबरदस्त हमारा कुल्फी फालूदा बनके रेडी है। देखें बहुत ही मजे का और बहुत ही डिलीशियस है ये बना है, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।